अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.2। इसका कुछ हिस्सा हमने डिस्कस कर लिया था और आज इसका ग्राफिकल पोर्शन हम करेंगे कि डेरिवेटिव के टॉपिक को हम ग्राफिकली कैसे देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है 31, ठीक है, और इसमें हमें क्या गिवन है, एट विच पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल -4 to 6 इज एफ डैश नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये हमें देखना और उसकी रीजन देनी है। अच्छा, ग्राफ हमारे पास यहाँ से इधर है, ये है, ये है, ये है, और अभी तक हमने पढ़ा है जो डेरिवेटिव के हवाले से, तो वो एक फॉर्मूला था, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, और अगर किसी सर्टन पॉइंट के लिए तो हम इसको फिर एक्स नोट कह देते होते हैं। ठीक है जी। और जब हम लेफ्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव साइन, और जब राइट डेरिवेटिव होता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव साइन। बाकी चीज़ें तो सिमिलर होती हैं। अच्छा, इस केस में हमारे पास ये जो लाइक एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, दो तो इनका ना जॉइनिंग पॉइंट ही आ रहा है। सिमिलरली ये कर्व और जो ये है इनका जॉइनिंग पॉइंट ये है, और ये इन दोनों का जॉइनिंग पॉइंट। तो ये जो मैंने तीन सर्कल मेंशन किए हैं जहाँ पे दो कर्व आपस में ज्वाइन कर रही हैं, वहाँ पे ही हमेशा डेरिवेटिव का इशू होता है कि वहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर। अगर एक सिंगल कर्व है वो चलती जा रही है, ठीक है, तो उसके डेरिवेटिव का इशू नहीं होता कि हम उसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इजीली डिस्कस कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास इस किस्म का कर्व आ जाता है जिसमें आप कह लें कि दो कर्व्स का आपस में जॉइन होता है, तो वहाँ पे जहाँ पे उनका जॉइनिंग पॉइंट होता है वहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है। अच्छा, अब इस केस में एक जो डेरिवेटिव है बेसिकली वो हमें ना लाइक स्लोप देता है। हमने शुरू में स्लोप भी पढ़ा था, ठीक है। तो लेफ्ट डेरिवेटिव और जो राइट डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट के इधर जो कर्व है उसका डेरिवेटिव मतलब उसकी स्लोप, और जो इस पॉइंट के इधर डेरिवेटिव है मतलब इस लाइन की स्लोप, दे शुड बी इक्वल, जिसको हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों सेम आ जाएंगे तो हम कह देंगे कि फंक्शन जो है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो इस केस में मैं ऐसे करता हूँ, इन दोनों की ना स्लोप निकालता हूँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ एम। ये वाले पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है, ये है x2 y2 लेट्स सपोज। तो हम स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस इंटू -4, तो ये बेसिकली मेरे पास आ जाएगा 2/4 जो कि 1/2 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस लाइन की स्लोप आ गई जो कि है 1/2। अच्छा, इसी तरीके से मैं इस वाली लाइन की स्लोप निकालता हूँ जो ये इसके साथ यहाँ पे ये ज्वाइन हुई है, उसका मैं नाम रख देता हूँ M2, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट का नाम इस पॉइंट का नाम अब हम X1 Y1 रख देते हैं, और ऊपर वालों का नाम X2 Y2 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास M2 का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग Y2 माइनस Y1, ठीक है, ये वाला Y1 है, डिवाइडेड बाय X2 माइनस X1, तो 1 आ जाएगा।
अच्छा तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 ओवर -1 जो कि -4 आ गया, ठीक है। अच्छा अब इस वाले की स्लोप 1/2 आई थी, इसकी स्लोप आपके पास -4 है। स्लोप मतलब डेरिवेटिव, इसका मतलब है कि ये जो लेफ्ट साइड वाला डेरिवेटिव है और जो ये राइट साइड वाला डेरिवेटिव है ये आपस में इक्वल नहीं है। हमें कैसे पता चला? हमने दोनों की स्लोप निकाली, क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को। तो हमने स्लोप का फॉर्मूला ये वाला लगाया ना, एम बराबर y2 - y1 over x2 - x1। ये स्लोप का फॉर्मूला लगा के हमने देख लिया कि पहली लाइन की स्लोप जिस पॉइंट पे ना यहाँ पे से, तो इसकी स्लोप और इसकी स्लोप आपस में इक्वल नहीं थी। इसका मतलब है कि दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक हो गया। इसी तरीके से आप इस पॉइंट को चेक कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, इस वाले दोनों पॉइंट्स को मिला के ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये जो लाइन बनी यहाँ की स्लोप निकाल लें, फिर इस वाले पॉइंट को इस वाले से मिला के एक और स्लोप निकाल लें और देख लें कि वो दोनों की स्लोप सेम आती है कि नहीं। अब ये वाली स्लोप हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये -4 है, तो आप क्या करें, इन दोनों की स्लोप निकाल लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि वो सेम आती है या नहीं आती। और सिमिलरली आप इसकी स्लोप निकाल लें, क्योंकि इस वाले की स्लोप तो आप निकाल ही लेंगे, तो आपस में मैच करके देख लें कि जिस पॉइंट पे ये जो कॉर्नर जहाँ पे शार्प कॉर्नर बनते हैं ना, यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। आपने लास्ट टाइम वो डायग्राम में भी पढ़ा था, मैं उसको दोबारा शो करता हूँ। एक तो ये वो पॉइंट थे जहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे ये ब्लू वाली कर्व में शार्प है जा रहा है, इसमें एक कस्ट बन रहा है, इसमें कनकेविटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता होता। अब यहाँ पे ये शार्प एज थे सारे के सारे, सो यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन हमें बताना कैसे है? आप सिंपली ये नहीं कह सकते कि दीज आर द शार्प एजेस सो डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एट दिस पॉइंट। आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप? स्लोप के मेथड से उनका स्लोप फाइंड करें, ठीक है, और दोनों की स्लोप डिफरेंट आएंगी, इट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे कहते हैं वन साइडेड डेरिवेटिव, कंप्यूट द राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स एज लिमिट टू शो दैट द फंक्शन इन एक्सरसाइज दिस आर नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट पी। आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मालूम करना है और राइट हैंड डेरिवेटिव मालूम करना है, और बताना है कि ये जो पॉइंट पी है, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट पी है, इधर ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी, यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम इसका ना पहला वाला पार्ट जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो आप ये लेफ्ट वाली कर्व इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए आपके पास ये वाला फंक्शन आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एफ ऑफ एक्स, मेरे पास आ गया जी एक्स स्क्वायर, और जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू भी 0 इस पॉइंट पे, तो अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 0 + h भी कर सकते हैं, -f(0) / h, और लिमिट आ जाएगा एच अप्रोचेस टू 0, उसके ऊपर नेगेटिव साइन, ठीक है, एक ही बात है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें ये दो चीज़ें चाहिए, f(0) चाहिए और f(0 + a) चाहिए, वो हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। जब आपने f(0) निकालना है तो आप क्या करोगे, x की जगह पे 0 लगा दोगे। इसी तरीके से 0 + h निकालना है तो ये आ जाएगा 0 + h, इसका स्केयर जो सिंप्लीफाई होके एच स्केयर ही आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर देते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, तो ये आ जाएगा एच स्केयर -0 ओवर एच,
और ये सिंपलीफाई होके ना आपके पास यहाँ पे ये जीरो ही आ जाएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे, मैं लिख के बता देता हूँ, तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, और नेगेटिव साइन आना था जीरो पे, ठीक है। तो एक जीरो से ख़त्म हो जाएगा, खाली एच ओवर एच रह जाएगा, ए स्केयर ओवर एच, तो ये इसके स्केयर से कैंसिल होगा, खाली एच आ जाएगा, इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई करोगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है जी। इसी तरीके से आपने राइट हैंड डेरिवेटिव मालूम करना है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपके पास ना ये कर्व इस्तेमाल होगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स, ठीक है। तो बाकी कैलकुलेशन सारी उसी तरीके से हो जाएगी। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, पॉजिटिव साइन क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एच। अब आप क्योंकि ये वाले कर्व इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे आप एफ ऑफ जीरो निकालेंगे तो वो जीरो आ जाएगा, एफ ऑफ जीरो प्लस एच निकालेंगे जब तो वो खाली एच आ जाएगा। इस फंक्शन में जब आप वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो ये लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो तो आ जाएगा एच माइनस जीरो ओवर एच। तो ये तो वैसे सिंपलीफाई होगी, एच ओवर एच आगे कट के वन नहीं आ जाएगा। अब देखें जरा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो आया था, राइट हैंड डेरिवेटिव वन आ गए। तो क्या फंक्शन डिफरेंशियबल है? नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर नॉट इक्वल। अच्छा जी, अब जो ये वाला है इसमें देखें, एक कर्व आपके पास ये बना है और एक कर्व आपके पास ये बना है, तो सेम आपने यही प्रोसीजर अप्लाई करना जो अभी मैं कर रहा था। बाकी जो नीचे वाले हैं इसमें भी देखें, कर्व आपके पास गिवन है, पॉइंट आपके पास गिवन है। अच्छा, इस वाले में देखें, इसमें आपके पास पॉइंट एक्स इक्वल टू वन है, इसमें भी एक्स वन है और इसमें भी एक्स वन है, ठीक है जी। बाकी कर्व भी थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा, अब आ जाएं ज़रा इधर, ये चार सवाल। इसमें आपके पास जो ग्रेटर वाली एक इनक्वालिटी यहाँ पे मेंशन की हुई है, एक लेस वाले की हुई है। तो जैसे आपने पढ़ा था लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो उसी तरीके से ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, ये जो लेस वाली है इससे लेफ्ट डेरिवेटिव आएगा, जो ग्रेटर वाली है उसे राइट डेरिवेटिव। फॉर्मूला अभी जो हमने लिखा था वही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला यूज़ करना है, जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एच और लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो माइनस आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव है तो प्लस आ जाएगा, और उसके हिसाब से आपने देख लेना कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, ठीक है जी। तो ये चारों सवाल ऐसे ही हैं, यहाँ से यहाँ तक। अब चलते हैं आगे, ये देखें आगे कुछ सवाल गिवन है उसके बारे में बताते हैं जी। एट व्हाट डोमेन पॉइंट्स डज द फंक्शन अपीयर टू बी डिफरेंशिएबल? आपने बताना है कि वो कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, और दूसरा कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, किस जगह पे उसकी कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है बट वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और ना वो डिफरेंशिएबल है और ना ही वो कंटिन्यूस है, ये भी हमने बताना है। तो आगे चलते हैं सवाल पे। ये वाला जो सवाल है, ये -3 से 2 तक उसकी डी वो डोमेन है, अच्छा इस केस में देखें, जब आपने कंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो आप देखेंगे कहीं गैप तो नहीं है, कहीं जंप तो नहीं है। तो यहाँ पे देखें पूरे ग्राफ में यहाँ से लेकर यहाँ तक ना तो कोई गैप है तो ना ही कोई जंप है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, ठीक है। दूसरी बात, क्या इसमें कोई शार्प एज आ रहा है? शार्प एज मतलब बिल्कुल
ऐसे, और ये ऐसे करके कोई कोना तो नहीं बन रहा, या कोई ऐसे करके अगर हो तो उसमें हमारे पास जो है ना वो होता है कनकेव अप कनकेव डाउन, में जहाँ पे कनकेविटी चेंज होती है वहां पे भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कहीं शार्प एज है, ना ही कोई कनकेव अप कनकेव डाउन वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पे जो है वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और ये कंटिन्यूस भी है। अच्छा, इसका जो ये वाला पार्ट है ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, हम चलते हैं तीसरे वाले पे, ये 47 पे। अच्छा, इसमें देखें पहले हम इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये देखें यहाँ पे आ गया गैप, जुड़ा हुआ नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि एट एक्स इक्वल टू जीरो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, बाकी हर जगह पे ये कंटिन्यूस है, यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक। लेकिन जब एग्जैक्टली जीरो पे आते हैं तो वो दरमियान में गैप आ गया। अब हमें देखें ग्राफ की शक्ल देख के पता चल गया कि यहाँ पे गैप है। किस पॉइंट पे गैप है हम यहाँ से देखेंगे कि एक्स इक्वल टू जीरो पे गैप है, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस ऑन एक्स इक्वल टू जीरो ओरिजिन पे। अच्छा, दूसरी बात, अगर वो इस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है जीरो पे, तो दूसरा जो डेरिवेटिव है वो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो लास्ट में बात है व्हाट इज कंटिन्यूस होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्योंकि एक जंप है, जंप होने की वजह से ये डिसकंटिन्यूस हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है जी, अब आ जाए इस वाले पे। यहाँ पे देखें इस जगह पे वन के ऊपर एक शार्प एज बन रहा है, कोना बन रहा है, तो कोने पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। बाकी कंटिन्यूटी तो यहाँ पे होती है, ये स्ट्रेट डायरेक्ट गैप नहीं है यहाँ पे, सो इट इज कंटिन्यूस। लेकिन ये यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू जीरो पे हम देख रहे हैं कि ये गैप आ गया। और दूसरा यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे खाली सर्कल है ये वाला, और इसकी वैल्यू ये नीचे की बन है, इसको तो यहाँ पे होना चाहिए था ना ऊपर इस जगह पे, और ये इस जगह पे नहीं है, ये तो नीचे है यहाँ पे इस जगह पे है। तो इस जगह पे भी कंटिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं करी, मतलब एट एक्स इक्वल टू टू यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पे भी कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि गैप है। सो जहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होगा वहाँ पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो तीसरा जो ये वाला पॉइंट रह गया वन माइनस वन, इस माइनस वन पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन वो कंटिन्यूस है, क्योंकि कंटिन्यूस में वो जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ऐसे कहते हैं जुड़ा हुआ है। अगर वो जुड़ा हुआ ना होता तो फिर जो है हम देखते कि वो कंटिन्यूस है ये नहीं, लेकिन क्योंकि ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे इस जगह पे ये जुड़ा हुआ है, सो इट इज कंटिन्यूस। ठीक है, तो क्या पता चला हमें कि यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस है, एक जंप डिसकंटिन्यूटी है, और यहाँ पे क्या हुआ है कि जो इस साइड से ग्राफ आ रहा है वो इसको ज्वाइन कर रहा है, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, जो यहाँ से ग्राफ आ रहा है वो भी उसको ज्वाइन कर रहा है, वो राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, तो इस केस में हुआ क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट है वो आपस में इक्वल आ गई। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट जो ये जो गोल सर्कल जहाँ पे गिवन है वैल्यू ऑफ द फंक्शन है ना, ये यहाँ पे इसके इक्वल नहीं आई वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये क्योंकि इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि ये तीनों इक्वल नहीं है लिहाजा ये कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पे तो वैसे इतना बड़ा सा गैप है। तो हमने इसका बताना है कि माइनस टू से लेकर माइनस वन तक, इस तरीके से माइनस टू से लेकर माइनस वन तक ये लाइक इस तरीके से ये डिफरेंशिएबल है, फिर माइनस वन से लेकर ये आगे जीरो तक ये डिफरें। अब देखिए इसमें हमने चौकी टी ब्रैकेट लगाते हैं, इसका मतलब है कि
-1 शामिल नहीं है, क्योंकि -1 पे प्रॉब्लम था और 0 पे प्रॉब्लम था, इसलिए 0 पे भी हमने ओपन इंटरवल ले लिया। इसके बाद जब आप यहाँ पे आएंगे 2 पे, तो 0 से 2 आ जाएगा और उसके बाद 2 से 3 आ जाएगा। लेकिन देखिए दोनों तरफ ओपन इंटरवल रहे हैं, वो जो है क्या कहते हैं, टू शामिल नहीं है यहाँ पे, टू ना इधर शामिल है और ना इधर शामिल है। सिमिलरली 1 भी शामिल नहीं तो 0 भी शामिल नहीं है। तो इस तरीके से आप ग्राफ देख के ही बता सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक हो गया, बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसके रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स बहुत आसान है जो ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं। ठीक हो गया, तब तक क्लेम करते हैं, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।